हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1B में प्रश्न संख्या 17 तक हल करके बताया था। आज मैं उससे आगे हल करके बताने वाला हूं। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला क्या है, टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, और इसको करना क्या है तो इसका मान याद करना है, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी आपको बताए थे उसको आप कंठस्थ किए होंगे, तो उसी मान सारणी यहाँ पर मान सारणी की सहायता से जो आप याद किए, यानी कि जितना जिसका मान होता है यहाँ पे रख देना है और इसका सिंप्लीफाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें कि टेन 60 डिग्री है और टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3 इंटू कॉस 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। अब इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो √3 इंटू √3 होता है 3 और बाई 2, तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दो नंबर में क्वेश्चन ये कहा है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी वैल्यू रख लेना है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू होता है 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 × 1 √2 × √2 बराबर होता है 2, तो 1/2 हो गया, माइनस इसका वर्क करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है, भिन्न का घटाव कर लेना है, तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम 4 हो जाएगा और 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार घटेगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ये 1 का 1 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको घटा लेना है सिंपल, ठीक है। तो जब घटा लेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये राइट आंसर, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसी जगह देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कहा है, 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं करना, मान रख लेना है, तो 2 का 2 लिख लेंगे इंटू साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू टेन 45 डिग्री 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 का 2 इंटू 1/2, 1 का 1 और √2 से √2 में मल्टीप्लाई कर दिए 2, और यहाँ पे 1 लिख लेना है, 1 से 1 ये कट जाएगा तो बचेगा 1 × 1 हो जाएगा 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें भी वैल्यू रख लेना है, देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो यहाँ गुना करेंगे तो √3/2√2 हो जाएगा, 2√2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये घटाव कर लेना है भिन्न का, तो देखिए हर बराबर है तो लघुत्तम हो जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा √3 और माइनस 1,
आंसर ये हो गया, लेकिन आप जब पुस्तक में देखेंगे तो इतना आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इसका परिमेय क्रम किया गया, मतलब सजावटी काम किया गया है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि ये रूट टू देख रहा है ना, इस रूट टू से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू इंटू रूट टू बाय रूट टू, ठीक है। तो इसको लिख लेना है रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस वन और बाय रूट टू से रूट टू में गुणा कर देंगे कितना होगा, दो होगा। ऐसे दो से दो में कर देंगे तो चार, ये आंसर हो जाएगा। पुस्तक में आपको इस तरह के आंसर रहते हैं लिखा हुआ, यानी कि ये भी आंसर सही, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का आंसर ना हो तो उसको हम परिमेयकरण कर देंगे, तो आपका आंसर किताब से मिल जाएगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन है टैन 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस टैन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री का वैल्यू होता कितना है, तो कहेंगे 1/√3 होता है, गुना सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो ये है रूट टू, सेक 45 डिग्री रूट टू प्लस टैन 60 डिग्री रूट थ्री इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2/√3, 2/√3। अब क्या करना है कि इसका गुणा कर लेना है, तो रूट थ्री रूट टू बाय रूट थ्री होगा, इसका इसका गुणा करेंगे क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर एक से गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, बटा में रूट थ्री लिख देंगे प्लस ये रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, तो ये होगा टू, क्या होगा टू हो जाएगा। अब आंसर ये इतना हो गया, लेकिन किताब में पुस्तक में आपको इस तरह से आंसर नहीं रहेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका परिमेयकरण कर लेना होगा जो रूट में है। तो इसके लिए आपको करने ये होंगे कि इसमें रूट वाला जो संख्या है नीचे हर जो है इसको हर से ऊपर नीचे गुना कर देना होगा, रूट टू, चाहे इधर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर रूट टू इंटू रूट थ्री है ना, बटा रूट थ्री इंटू रूट थ्री आ प्लस टू, ठीक है। इसको अब गुना करिएगा तो हो जाएगा थ्री में टू से तो सिक्स, तो रूट है तो रूट सिक्स, और यहाँ देखिए सेम टू सेम है, इसमें भी रूट थ्री इसमें रूट थ्री, तो रूट से रूट कैंसिल, यानी कि ये थ्री हो जाएगा और प्लस टू, इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हल करने, हालांकि आंसर ये भी सही है, यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से लिखने के लिए आपको परिमेयकरण करना पड़ता है, यानी कि हर के हर में अगर रूट हो तो उसको हटाने के लिए आप परिमेयकरण करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों का हल आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।